हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव आप सभी का कीर्तिमान एकेडमी पर स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, चलिए अपनी क्लास में हम लोग जरा प्रैक्टिस को तेजी के साथ आगे बढ़ाते हैं। और आप देखिए, कॉपी पेन निकाल चुके होंगे, तो होना भी चाहिए। तो अगर आप देखें, इस यहाँ पे हम लोग अपनी क्लास के अंतर्गत एनटीपीसी के लिए थोड़ा काम कर रहे हैं तेजी से। तो एनटीपीसी मैथ्स की प्रैक्टिस अपनी चल रही है, जिसके अंतर्गत मैं आपकी डिमांड पर सबसे पहले एलजेब्रा के सारे पूछे गए क्वेश्चन अभी आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। और आपको मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि आज मैं आपके लिए एक 15वीं क्लास देने जा रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, इसका भरपूर लाभ उठाइए, खुद भी अपने दोस्तों को भी इसका लाभ उठाइए। और उनसे कहिए कुछ भी नहीं करना, आप लोग स्वयं वीडियो को फटाक से लाइक करिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। और साथ ही साथ अन्य दोस्तों तक शेयर करते रहिए। छोटी सी ड्यूटी आपको, बस मुझे हर उस विद्यार्थी तक पहुँचा दो जो एनटीपीसी का स्टेज सेकंड देना चाहता है, ठीक है। बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका सिलेक्शन चाहिए। आप सेलेक्ट हो जाए, जहां रहें सुखी रहें, आप आपका घर परिवार खुश रहे, बस। तो अब देखो, क्योंकि जिंदगी का मकसद ही है कि अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो अपने घर परिवार को देखें, साथ ही साथ अगर मैं किसी के काम आ सकता हूँ तो आना चाहिए। इसमें कंजूसी मत करो यार। अब आप लोग थोड़ी कमेंट करने में भी कंजूस हो, ये तो ठीक नहीं है ना भाई, ये अन्याय है, ये नहीं होना चाहिए। सो कमेंट करिए और लाइक करिए, और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करिए। और साथ ही जो स्टूडेंट नया हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। चलिए, अच्छी बात है, ये क्लास भी तो स्टार्ट होनी चाहिए। तो चलिए क्लास को शुरू करेंगे। और 15वीं क्लास में आज मैं आपके लिए बड़े प्यारे प्यारे प्रश्न लेकर के आया हूँ। एनटीपीसी के उन सवालों को अच्छे से सॉल्व करते हैं, ठीक है। और आप वीडियो को कंप्लीट देखोगे तभी कि क्वेश्चन समझ पाओगे कैसा हो रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने पीछे अपनी क्लास के अंतर्गत क्वेश्चन 105 तक कर लिया है। आज मैं 106 नंबर के क्वेश्चन से क्लास को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। तो आप सब क्वेश्चन नंबर 106 देखिए और इंजॉय कीजिए, बहुत मजेदार सवाल है। देखो, लिखा है कि यदि एक्स प्लस रूट एक्स इज इक्वल टू 20 है, तो हम सबको यक्स की वैल्यू फाइंड करनी। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन कंपलसरी है, और ऑप्शन से बहुत जल्दी क्वेश्चन बन जाते हैं, इसमें टाइम नहीं लगती। मैं ऑप्शन लिखता हूँ, ये 5, यहाँ पे 16, और ये 8, यहाँ 7 दिया। 1 सेकेंड के अंतर्गत इस क्वेश्चन को आप लोग सेट करके मुझे आंसर दे सकते हो। आंसर कैसे दोगे माई डियर स्टूडेंट्स? कुछ भी ना करो, आप ही बता दो कि अगर मैं यहाँ पे यक्स की वैल्यू को 16 रख दूँ और प्लस अंडर रूट 16 इज इक्वल टू 20, बोलो LHS इज इक्वल टू RHS होगा या सर? नो, क्यों नहीं होगा? ये 16 होगा प्लस 16 का 4 इज इक्वल टू 20, तो थोड़ा टेंशन मत लो, कह दो LHS इज इक्वल टू RHS, तो हम लोग सही हैं। करेक्ट आंसर 16 हो गया भाई। चलिए फटाक से सॉल्व करिए और आगे बढ़ते रहिए, जोश में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 107 के लिए सब लोग तैयार हो जाओ, ठीक है, ओके। क्योंकि प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी सिलेक्शन उतना ही पक्का होगा, क्योंकि जिसकी तैयारी होगी तगड़ी उसका सिलेक्शन होगा निश्चित, बाकी लोग परेशान होंगे। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 107, 107वां आपकी क्लास का 107 क्या है देखता हूँ। लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 के गुणनखंड क्या होंगे, यानी का फैक्टर फाइंड करना है। अब अगर इसके गुणनखंड की बात मैं करूंगा, तो डियर स्टूडेंट्स हमने क्या कहा, मध्य पद को विभाजित करके गुणनखंड करो। आपका जो मिड टर्म है ये है। सारे लोग दो ऐसे नंबर सोचो जिनको जब जोड़ दोगे तो माइनस क्या आना चाहिए, 8। को इफिशियंट कितना है, 8। बट जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो माइनस की जगह क्या आना चाहिए, प्लस 12। सोच पा रहे, सोचो कि माइनस 6 माइनस 2, तो माइनस 6 माइनस 6 दो मिलके 8 होगा, और 6 दूनी 12, माइनस माइनस प्लस, तो अपना काम तो हो गया। तो यानी अपना फैक्टर आया माइनस 6x माइनस 2x। अब इसे सिंप्लीफाई करो तो क्या लिखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12। एक ग्रुप ये बना लो, दूसरा ग्रुप ये बनाओ। मुझे ये बता दो कि यहाँ से कॉमन क्या होगा, एक्स, तो एक्स माइनस 6, यहाँ से माइनस 2 कॉमन, तो एक्स माइनस 6 हो जाएगा। बोलो भाई, आपको ये पता है
कि जो दो जोड़े एक जैसे हैं, एक को लेना होता है एक को छोड़ना होता है, तो भाई ये होगा यक्स माइनस सिक्स एक ब्रैकेट में, और दोनों कॉमन एक में ले लो तो यक्स माइनस टू दूसरे ब्रैकेट में, ये रहा आपका फैक्टर। ये तो आराम से हो गया ना, ठीक है। वैसे भी बड़े छोटे छोटे इंटरेस्टिंग सवाल आ रहे हैं, लेकिन सवाल छोटे या बड़े नहीं मतलब है, जिस कॉम्पिटिशन को हम देने जा रहे हैं वो कैसे सवाल चाहते हैं, हमसे क्या जानते हैं वो चाहते हैं, वो ये चीज हमें जाननी है। और एनटीपीसी के सवालों से आप ये देख पा रहे हो, ठीक है, चले आगे। ओके, ये सारी पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे अवेलेबल मैं हमेशा बताता हूँ, सो आप लोग एकदम एक्टिव रहिए। हर बार कहना आवश्यक नहीं है कि मैं हर चीज कहूँ, मैं इतना जानता हूँ कि मैं आपके लिए रेगुलर क्लासेस देता रहूंगा, बाकी अपनी ड्यूटी समझिए ना। कौन सी ड्यूटी? कुछ नहीं, बस पढ़ना है, प्रैक्टिस करना आपको। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, सब कुछ पड़ा है। किसी तरह के क्वेश्चन के लिए आपको, सवाल जवाब के लिए कोई और जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट, उसमें संकोच की कोई बात नहीं होगी, ठीक है। चलो हम आपके लिए आपकी क्लास का क्वेश्चन नंबर 108 लेंगे, तो 108 क्या है क्वेश्चन? लिखा है कि यदि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर है तो यक्स की वैल्यू क्या होगी? अब भाई ये तो आपके सामने बहुत ही छोटा सा प्रश्न है, तो छोटू साहब को निपटा दिया जाए। चलो ये बता दो कि इसे देख के किसी की याद आई, किसकी याद आ गई, बोल दो एक बार तो जरा। अरे यार कुछ मत सोचो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में माइनस बी। वैसे भी ये तो बहुत ही छोटा, इसका स्क्वायर 2 सेकंड में हो सकता है। एक्स स्क्वायर बराबर, क्या सिखाया हूँ कि दो है अगला नंबर, बोलो 2 3 6 और 5 25 25, 1 × 2 तो 2 5 25 25 होगा, तो आपके पास ही आ जाएगा कितना 225। 625 में से 225 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 400। एक बार बोलो, एक्स स्क्वायर बराबर 400 है तो आप हमें बता दो एक्स बराबर क्या आएगा, 20 आएगा, ये आपका आंसर है। और किसी को अगर फटाफट वर्गमूल सीखना है तो वीडियो में आप देखिएगा जो कीर्तमान एकेडमी का प्लेलिस्ट है, वहाँ पे सारा वर्गमूल घनमूल हमने कंप्लीट क्लास पढ़ाई है, आप उसको देखिए। हमने बड़े खूबसूरत आसान आसान तरीके सिखाए हैं कि किसी भी नंबर का 2 2 सेकेंड में स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट निकाल लो, वहाँ दशमलव संख्या का, भिन्नों का सब सिखाया है, बस उसको देखना। वीडियो कंटिन्यू जब कंप्लीट देखोगे तब समझ में आ गया चीज़ें क्या हैं कैसे हैं, ठीक है। हमने बिल्कुल ऑफलाइन मोड में ही चीज़ों को कराया हुआ है। चलें हम आगे, ठीक है। तो आप लोग क्या 109 नंबर के लिए तैयार हो? बोलो भाई, ठीक है, तैयार हो तो मैं भी तो तैयार ही हूँ। क्वेश्चन नंबर 109 अपनी क्लास का 109वां सवाल है कि यदि ए माइनस बी इज इक्वल टू 5 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है 97, तो ए बी क्या होगा? अब अगर मैं इस ए बी के बारे में बात करूं तो यहाँ पे ए बी आपका ये है कि ए बी अगर आप लोग बोलो तो इसका मैं लाभ उठा लूं, इसका लाभ ऐसे उठा लेते हैं फ्रेंड्स कि अगर हम लिख दें कि भाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा, बोलो होगा। यहाँ पे डिस्टेंस ए माइनस बी का मान 5 है, तो 5 का स्क्वायर डायरेक्ट करके कितना लिख सकते हो 25। ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी गई है 97, और माइनस हो जाएगा 2ab के, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि इनको भाई साहब को खानदान सहित इधर लेके आ जाओ, इनसे कह दो भाई तू इस साइड चला जा, पक्षांतर कर दो इनका, तो ये हो जाएंगे 2ab इज इक्वल टू 97 में से अगर 25 को माइनस करोगे तो आप मुझे बताओ 7 में से 5 घटा दोगे 2 आ जाएगा,
और यहां से आपके पास कितना आने वाला, नौ, नौ में से दो जाएगा तो सात आएगा। डियर स्टूडेंट्स, 2AB बराबर 72 है, तो काट दो तो कितना आएगा, AB बराबर 36 के। बोलो, मजा तो आ रहा है ना सबको, समझ में आ रहा है? ठीक है, इसे आप कंप्लीट करिए, हम आगे चलते हैं। सॉल्व हो गया सबका? ठीक। चलिए, अपनी क्लास के 110वें सवाल के लिए। क्वेश्चन 110, 110। अब अगर 110 की बात करता हूं, ये तो आसान है। क्या सवाल है? 4x-7 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो इस सवाल में तो कुछ सोचने की बात नहीं है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दो। तो भाई आप ही लोग हमें बता दो कि जब आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर करते हो तो क्या बोलते हो, ए स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो भाई यहाँ पे ए की जगह पर कौन है आपके पास, 4x, बी की जगह कौन है, 7। तो इसे हल करोगे तो ए स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 4 चौक 16x स्क्वायर, प्लस बी का 7 है 7 सत्ताईस 49, माइनस 2 इंटू ए की जगह पर लिखना 4x और बी की जगह पर लिखोगे 7 के। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये हमारे पास होगा 16x स्क्वायर प्लस 49, 2 चौक 8 सत्ताईस 56, माइनस 56x। चाहे विकल्प में ऐसे लिखा होगा या 16x स्क्वायर माइनस 56x प्लस 49, यही होगा हमारा करेक्ट आंसर। जो भी विकल्प में छपा है दोनों तो एक ही बात है, उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लग गया सबका? चलिए कंप्लीट करिए, आगे चलते हैं। और क्लास में कोई दिक्कत नहीं, स्लो फास्ट ऐसा कुछ नहीं है भाई, आपके पास वीडियो रहती है, अगर थोड़ी सी फास्ट भी है तो आराम से कर सकते हैं, स्लो है तो आपके समझने के लिए है। बस इसमें कमियां ढूंढने की बजाय इसकी अच्छाइयों का लाभ उठाइए सब लोग। ठीक है, ओके। और अपनी अपनी कमियों को सुधारिए ताकि आपका सिलेक्शन बिल्कुल श्योर हो जाए। और इस बार इज्जत दांव पर है, यानी 2021 में सिलेक्शन चाहिए, तो कोशिश करते जाओ। देखो 111वां प्रश्न क्या कह रहा है आपका, इसमें लिखा है कि यदि 2x+3=9 तो 3x+2 क्या हो जाएगा। अब भाई ये तो बहुत ही छोटा सा प्रश्न है, लेकिन क्वेश्चन तो क्वेश्चन है। यक्स दो, आंसर लो, सीधा समझौता। मुझे ये बताओ सारे लोग कि क्या सबसे पहले 3 को इधर भेज दूं? तो मुझे बताओ भाई कि ये फिर 2x बराबर क्या लिखोगे, 6 काटो, 2 3 6, तो यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। सो अब आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा बराबर 3 × यक्स की वैल्यू 3+2, 3 × 3 9 2 11, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है? चलिए सॉल्व कर लीजिए। हो गया होगा, कह दो, वैसे भी हम लोग फास्ट हैं, फास्ट होना भी चाहिए और क्वेश्चन 112 पढ़ना चाहिए। तो 112 नंबर का क्वेश्चन मैं आपका लेता हूं। 112, 112 लिखा है कि x²+7x+10 के गुणनखंड। आप लोगों ने एक चीज गौर किया होगा कि इनका थोड़ा सा गुणनखंड पे जोर रहा है, छोटे छोटे ही पूछा लेकिन पूछा है, तो आप तो वैसे भी गुणनखंड पढ़ते रहते हो। आप हमें बताओ कि अब इसी का तो हमें मध्य पद है, यानी मिड टर्म है, इसी के दो फैक्टर करने, जिनको जोड़ने पे कितना आना चाहिए, +7, और गुणा करने पे +10 आना चाहिए। दो नंबर ऐसे सोचो कौन से हो सकते हैं, 5 × 2 = 10, तो यानी ये भी हमारे पास होगा +5x और +2x। बोलो होगा यही ना? तो इसे सिंपलीफाई करिएगा तो ये हो जाएगा आपका x² + 5x
टू एक्स प्लस टेन। अब जब इसे आप सॉल्व करें तो एक ग्रुप ये बना लेना, दूसरा ये बना लेना। इसको करोगे तो यहाँ से यक्स कॉमन लो, अंदर आएगा यक्स प्लस फाइव, प्लस टू कॉमन लो तो यक्स प्लस फाइव, बोलो होगा। आगे क्या करें, एक ब्रैकेट में तो एक्स प्लस फाइव ही होगा, दूसरे में ये वाले दोनों भाई हैं तो यक्स प्लस टू ले लीजिए, और ये रहा आपका करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं ना, चलिए सॉल्व कर लीजिए, हो गया। ओके, अगर ये हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ जाओ। अपनी क्लास का क्वेश्चन 113 डिस्कस किया जाएगा। 113वां सवाल बड़ा ही खूबसूरत सवाल है, तो इसे जरा अच्छे से समझने की जरूरत पड़ेगी। थोड़ा घातांक से जुड़ा हुआ है तो कोई बात नहीं, लिखता हूं। सिंप्लीफाई करना क्वेश्चन नंबर 113। 113 में डे स्टूडेंट्स ऐसे लिखा था ये कि एक्स की पावर फोर की पावर इन्होंने लिखा था 3 माइनस 2 ए, और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज था, टेंशन नहीं है। इनटू सेकेंड ब्रैकेट में लिखा है एक्स की पावर 2 ए प्लस 1, ब्रैकेट क्लोज, की पावर ए, टोटली डिवाइडेड बाय। फिर अगले ब्रैकेट में लिखा एक्स की पावर 3 ए माइनस 5 की पावर क्या भाई, 2 की पावर 2 है। और स्टूडेंट जो सेकेंड वाला ब्रैकेट है वहां लिखा गया एक्स की पावर ए प्लस 1 की पावर है 2 ए माइनस 1। इसे हल करना है। देखो ये घातांक और कर्णी, इंडिसीज एंड सर्ड से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ये चैप्टर में कंप्लीट पढ़ाया है, तो जिस किसी ने इसे अच्छे से पढ़ा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो आपकी कीर्तमान एकेडमी का जो चैनल की प्लेलिस्ट है वहां पे जाइए, घातांक कड़ी की पूरी कंप्लीट क्लास हमने पढ़ाई है, एक एक क्वेश्चन पढ़ाए हैं, सारे रूल्स सिखाए, वहां से देखिएगा और अपनी नॉलेज को और बढ़ाइए। तो फिलहाल मैं इस क्वेश्चन को अब यहाँ सॉल्व करूंगा। एक घातांक से जुड़ा एक सवाल हमने ले लिया, चलो चलता है भाई, कुछ नहीं करना है, इस वाले पूरे के पूरे सेक्शन में इस वाले से भाग करनी है। तो मैं आपके साथ हल करने जाता हूँ, तो मुझे बताओ जब पावर की पावर बनती है तो आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। डियर स्टूडेंट्स मैं रूल आपको याद दिला दूं कि कहीं ए की पावर एम की पावर एन की पावर एल की पावर डॉट डॉट हो तो क्या सिखाया हूं, एम इंटू एन इंटू एल, एक तो इस नियम का प्रयोग करूंगा, और दूसरा ये पढ़े हो कि कहीं ए की पावर एम भागे ए की पावर एन हो तो बराबर ए की पावर एम माइनस एन होगा। बोलो, इन्हीं दो नियमों का प्रयोग करके हम इस क्वेश्चन को सिंपलीफाई करने जा रहे हैं। साथ ही साथ अगर कहीं ये भी आपको पता ही है कि अगर ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन हो बराबर ए की पावर एम प्लस एन, ये तो पता है ना, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को सिंपलीफाई करो, घबराने की कोई बात नहीं होगी। सबसे पहले इस लाइन पर आओ, देखो यहाँ पे पावर की पावर, तो पावर की पावर, तो पावर का आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ये देखिए ना पावर की पावर बन रही है तो इनका आपस में क्या कर दोगे, गुणा। सो फ्रेंड्स ये हो जाएगा यक्स की पावर 4 3 12 माइनस 4 2 8 ए, ठीक है, इनटू तोड़ते जाओ, यहां से फिर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स एक्स की पावर 2 ए स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा ए, टोटल अपान भाग है ना तो बटे में आ जाओ, फिर इसका भी मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये अपान में आ जाएगा आप पास एक्स की पावर, यहां से देखो 2 है ना तो 2 3 6 तो 6 ए माइनस 5 2 10 इंटू ये वाले को देखो फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा यक्स की पावर, एक बार मैं 2 ए का इसमें गुणा करा लेता हूं तो ये हो जाएगा 2 ए स्क्वायर
अब फिर मैं इस वन का गुणा इसी में ए में करा लेता हूँ, तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस ए ना। फिर मैं इसका गुणा करा लेता हूँ इसमें, तो प्लस हमारे पास ये आ जाएगा 2a और माइनस 1। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं ना। अब समान पदों को जोड़ घटा लो तो आपका रूल अब ये वाला लगेगा कि दोनों के बेस इक्वल हैं, पावर को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। भाई अगर आप जोड़ने की बात करते हो तो देखो ये हो जाएगा यक्स की पावर, डिस्टेंट इन दोनों पावर को, ये वाली और ये वाली को आपस में क्या करना है, जोड़ देना है। जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 12 माइनस 8a और प्लस होगा 2a² और प्लस कितना हो जाएगा a, ठीक है। अपान में आ जाओ, यहाँ यक्स की पावर लिख लेना मेरे भाई, 6a माइनस 10 प्लस 2a² और प्लस इसको जोड़ लो, प्लस 3a और माइनस 1 इज इक्वल टू। यहां से आप लोग एक बात का ध्यान देना कि देखो ये x की पावर 12 है, चलेगा चलेगा, बट ये डिस्टेंट देखो माइनस 8 है, ये प्लस a है, तो यानी ये हो जाएगा माइनस 7a प्लस 2a² अपान। इसमें आ जाओगे तो देखो ये अपान होगा यक्स की पावर, यहाँ 6a है अपने पास, यहाँ पे 3a है, तो 6 और 3 हो जाएगा कितने के, 9a के हो जाएगा आपका। सब कुछ सही है ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 9a, और देखो यहाँ से -10 -1 -11 हो जाएगा, -11 और प्लस हो जाएगा 2a², ठीक है। अब आप भाग के रूल का प्रयोग कर दें, तो जब भाग के रूल का प्रयोग करिएगा तो ये आपका अब हो जाएगा ए की पावर एम अपान एन बराबर ए की पावर एम माइनस एन। तो यहाँ यक्स की पावर आपके पास आ जाएगी 12 माइनस 7a प्लस 2a² माइनस, सारी पावर कैसे लिख दो, तो ये हो जाएगा आपके पास 9a माइनस 11 प्लस 2a² इज इक्वल टू यक्स की पावर। अब माइनस का अंदर गुणा करा के ब्रैकेट को तोड़ दो, तो यक्स की पावर हो जाएगा कितना, 12 माइनस 7a प्लस हो जाएगा 2a² माइनस अपने पास आता है ये 9a, और फिर यहाँ से हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस 11 माइनस 2a², ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दे देना आप लोग, तो एक चीज यहाँ पे आपको गौर करनी थी कि सब कुछ तो सही यहाँ पे चल रहा था, 3 दूनी 6 5 हो जाएगा, और जो सेकंड सेक्शन हमने मल्टीप्लाई किया था तो 2a² होता, वो 2a² है ना, ठीक है, और प्लस हमारे पास 2a होता। फिर जब 1 का हम यहाँ पे कर रहे होते तो सिर्फ 1a होता, -1 होता, तो 2 1 3a था हमारे पास प्लस 1, ठीक है। बस एक बार रीचेक कर लो सब लोग, तो हमारे पास ये हो जाता कैलकुलेशन के अंतर्गत 6a - 10, ठीक है। ठीक, ध्यान दे पा रहे हो सब लोग ना, 2a² हो गया प्लस 3a हो गया यहाँ से, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा -7। यानी अगर आप टोटल कैलकुलेशन को देख पा रहे होंगे तो कम से कम बहुत ही आराम से एक बार रीचेक कर लो, कुछ छूटा उटा तो नहीं भाई। -7 ही हो जाएगा, और ये कहाँ है आपका, 2a² हाँ ठीक है, और प्लस हमारे पास होना चाहिए 2a, ये भी ठीक है। फिर हम 1 का वहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1a होगा। यस, यहां से एक मिस्टेक आपके पास थी, ये -1a हो जाएगा। तो -1 होने के नाते आपका ये क्या हो जाता फाइनली, तब 6 नहीं, यहाँ से आपके पास सिर्फ 1 ही आ जाता, 3a की जगह पे 2a। कैलकुलेट कर लेते तो आपके पास से 9 की जगह फाइनली क्या आ जाएगा, 7a आ जाएगा, है ना, 7a करेक्ट कर लेना। तो बस भाई जहां जहां 9 आए तो वहां पे 7 आप कैलकुलेट कर लो। तो आप देखिए यहाँ से जब हल करोगे तो 2a² 2a² कैंसिल हो जाएगा,
और यहाँ से दूसरी बात, ये 12 प्लस से 11 ये है, तो यक्स की पावर हमारे पास हो जाता है 23 और -7a -7a, तो -7 7 14 ए, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हो गया भैया सबका, कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग अपनी क्लास को यहीं पर रखते हैं, हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।